अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जूजे चिकन कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही पॉपुलर पर्शियन चिकन कबाब की रेसिपी है, जिसे स्पाइसेस और सैफरन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। और उसके साथ मैं सैफरन राइस भी बनाने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा ये डिनर की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी बनाने के लिए 250 ग्राम मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, जिसे इस तरह से 2 इंच के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करने वाले हैं, तो हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, 1/2 नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे और ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हमारे चिकन में आएगा। तो ये देखिए, ऑलिव ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है 2 टीस्पून, और साथ ही मैं ये क्रश लहसुन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 5 से 6 कली लहसुन की क्रश कर ली थी, वो ऐड कर देंगे, और 1 छोटी प्याज को मैंने क्रश कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने सैफरन को भिगा कर रखा था पानी में इस तरह से। तो ये 20 से 25 मैंने सैफरन ले लिए थे और उसे मैंने इस तरह से पानी में भिगा कर रख दिया था। तो आधा हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन में और आधा हम राइस में इस्तेमाल करेंगे। तो ये सैफरन का जो हमने पानी बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अब हम इसे रख देंगे 1/2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम राइस तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है 1 कप राइस और ये वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तो 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे पानी। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1 स्टारफुल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए, और मिक्स कर लेंगे। और बस हाई फ्लेम पर अब हम इसमें ऊपर का पूरा पानी ड्राई होने देंगे। तो ये देखिए, ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया। तो अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पर अब हम चावलों को दम करने वाले हैं। तो ये बचा हुआ जो सैफरन का वाटर था ना, तो वो हमें इसमें ऐड कर देना है इस तरह से। इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा, साथ में टेस्ट भी आ जाएगा। और ये फिर हम ढककर रख देंगे इस तरह से। तो हमें यहाँ पर ढककर रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि हमारे चावल अच्छे से दम हो जाए। तब उसके बाद 1/2 घंटा हो चुका है, तो चलिए चिकन को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल ही ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून, और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। तो ये चिकन भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो ये मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे हम इसे। तो ये सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, जब एक तरफ से हो जाएगा फिर हम पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे हमारा चिकन जो है वो अंदर तक टेंडर हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो ये पलट कर भी हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हमें इसे रखना है, जब ये चिकन हमारा अच्छे से गल गया तब हम इसमें टमाटर भी इस तरह से रख देंगे। तो ये 1 टमाटर इस तरह से मैंने कट कर लिया है 3 टुकड़ों में, उसे भी हम रख देंगे और ये ग्रिल कर लेंगे हम टमाटर को भी। और चिकन को भी अब हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि अच्छे से उसमें ग्रिल मार्क्स भी आ जाए, क्योंकि हमारा चिकन भी टेंडर हो गया है, बस हमें इसमें ग्रिल मार्क्स ले लेने हैं। तो ये देखिए, अलट पलट कर मैंने चिकन के ऊपर भी ग्रिल मार्क्स ले लिए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन फ्राई की इसमें से। आप चाहे तो अगर आप स्मोकी फ्लेवर और देना चाहते हैं तो आप एक चारकोल गर्म करके उसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। और ये देखिए, हमारा ये सैफरन राइस भी बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस सी ये पॉपुलर जो पर्शियन डिश है आज मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इस तरीके से एकदम हेल्दी और टेस्टी डिनर की रेसिपी बनाएं। तो चलिए अभी सर्व कर लेते हैं। तो ये राइस हमारा हो चुका है, तो एक प्लेट में हम इस तरह से निकाल लेंगे राइस। तो ये हमने राइस निकाल दिया है, उसके ऊपर हम रख देंगे जो हमने चिकन फ्राई कर लिया था वो। इस तरह से स्मोकी फ्लेवर देने से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है ग्रिल मार्क्स का। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने रख दिया है साथ में जो हमने टोमेटो को भी ग्रिल कर लिया था वो। और साथ ही में मैंने प्याज भी रख ली है। तो ये प्याज के ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिला लिया था। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। साथ में एक हरी मिर्च हम इस तरह से गार्निश कर लेंगे, ये फीकी वाली हरी मिर्च है, साथ में हम मिलाकर इसे खा भी सकते हैं। और ये डाल दिया है मैंने इसके ऊपर अनार के दाने। बहुत ही डिलीशियस सी ये हेल्दी
टेस्टी और लाइट एकदम डिनर है, आप भी इस तरीके से बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।